हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सबके लिए उपमा रेसिपी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो मैंने कुछ वेजेस लिए हैं, यहाँ पे टमाटर है, कॉर्न है, कैप्सिकम है, प्याज, बीन्स, गाजर और ग्रीन चिलीज, और मैंने थोड़े बादाम लिए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई पर मैं अभी सूजी डाल रही हूँ, मतलब रावा। तो इसको मैं थोड़ा सा है ना रोस्ट कर लूँगी इधर उधर से, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा मैं उसको रोस्ट कर दूँगी इस तरह से। अभी मैं सूजी को एक अलग से बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं फिर से पैन गैस पे रख रही हूँ और मैंने ऑयल ऐड किया है। अब वेट करूँगी कि ऑयल गर्म हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ऑयल गर्म हो चुका। अब मैंने थोड़ा राई डाला है और मैंने जो सब्ज़ियाँ धो के रखी थी तो वो मैं सब एक साथ डाल दूँगी। अब मैं सब्ज़ियों को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सो इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसे ढक दूँगी। फिर 5 मिनट हो जाएंगे तब मैं ढक्कन हटा के देखूँगी कि कितना बॉयल हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी 50% बॉयल हो चुका है और अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। गाइज, याद रखना मैं ये लो एंड मीडियम फ्लेम में ही बना रही हूँ, ठीक है। तो नमक मैंने ऐड कर दिया और उसके साथ ही मैंने थोड़ा यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है। तो अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे गरम पानी डाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो अभी मैं इसे ढक दूँगी। सो गाइस, 5 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया और मैं देख रही हूँ अच्छा बॉयल आ चुका है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हो, बॉयल अच्छे से आ रहा है। और मैंने इसे लो फ्लेम में रखा था। तो अब बारी है सूजी, मतलब रावा को ऐड करना। तो अब मैं रावा ऐड कर रही हूँ और इसे मैं मिक्स करूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। गाइस, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 5 मिनट और ढक के पकाऊंगी थोड़ा, फिर 5 मिनट के बाद ओपन करके देखूंगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरा उपमा एकदम रेडी है और मैंने इसे निकाल लिया है एक सर्विंग बाउल में। तो मैंने ये अपने लिए निकाला है क्योंकि मुझे उपमा बहुत पसंद है और ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप ज़रूर घर पर ट्राई करना। और आशा करूँगी कि आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं ये उपमा खा रही हूँ गार्लिक।